दोस्तों स्वागत है आपका एक नए फ्रेश संडे क्यूएनए कमेंट बॉक्स में। सैटरडे को जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था उसमें आप लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ फनी भी क्वेश्चन पूछे हैं जिसका कि आज के सेशन में जवाब देने वाला हूं। आज का सेशन काफी मजेदार होने वाला है तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना संडे क्यूएनए कमेंट बॉक्स। पहला क्वेश्चन पूछा है मेगारिक ऑफिशियल ने, इन्होंने पूछा है सर शॉर्ट फंड क्लेम हो जाने के बाद भी गूगल एडसेंस में क्यों ऐड नहीं हुआ, अक्टूबर 11 तारीख को क्लेम किया था, प्लीज पिक माय क्वेश्चन, लव यू सर, लव यू टू ब्रदर। तो आपकी मैं बात बता दूं कि जो आपने 11 तारीख को क्लेम किया था वो मिनिमम आप 10 नवंबर तक वेट करिए, 10 नवंबर से ऐड हो जाएगा क्योंकि अक्टूबर महीने का शॉर्ट फंड था। तो आपका जो आपने क्लेम अक्टूबर में किया होगा तो वो नवंबर में अभी 10 से 11 तारीख के पहले पहले तक ऐड हो जाएगा। तो बेफिक्र रहिए, क्लेम अगर आपने सक्सेसफुली किया है तो आप ऑटोमेटिक आपके जो गूगल एडसेंस में उसमें ऐड हो जाएगा और इसके बाद आपको 21 तारीख को वहां से पेमेंट रिलीज कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अनवर एमएनजी ने, इन्होंने बोला है लव यू सर, तो लव यू टू ब्रदर। इन्होंने बोला है कि सर मेरा प्रश्न यह है कि सर कि क्या अभी तक कोई जीके शॉर्ट्स बनाने वाले को शॉर्ट्स फंड मिला है या नहीं, मुझे आपकी आपसे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे, थैंक यू, लव यू सर। तो फिर से आपको लव यू टू। तो जो आपने बोला है कि सर जीके के क्वेश्चन को मिलता है या फिर नहीं शॉर्ट फंड, तो ये सेम क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मेरा इस टाइप का चैनल है क्या मुझे शॉर्ट फंड मिलेगा। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए हैं तो इसीलिए मैंने ये पिक कर लिया है, इससे आपको भी जवाब मिल जाएगा। तो भाई आपका किसी भी टाइप का चैनल है, अगर आपके व्यूज अच्छे आ रहे हैं, आपके व्यूज अच्छे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए आपको जो शॉर्ट फंड मिलता है आपके व्यूज के अकॉर्डिंग मिलता है। आप किसी भी टाइप का कंटेंट बना रहे हैं उससे कोई मैटर नहीं करता है, हर एक चैनल वालों को शॉर्ट फंड मिलेगा अगर आप शॉर्ट्स वीडियो डाल रहे हैं और उस पर व्यूज आते हैं। तो व्यूज आएंगे तो 100% जीके वाले की जो आपका वीडियो है उस पर भी शॉर्ट फंड आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है टेक पीसी एजुकेशन पॉइंट ने, इन्होंने बोला है हाय सर क्या शॉर्ट फंड वालों को आगे कोई फ्यूचर है, प्लीज सर पिक माय क्वेश्चन। तो काफी इन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछा है तो इसका मैं जवाब आपको दे देता हूं। तो भैया शॉर्ट्स वालों को लेकर बहुत सारे लोग हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं सर उसका फ्यूचर क्या है, कितना फ्यूचर है, क्या लॉन्ग के जैसा है, क्या फ्यूचर है। तो भाई मैं आपको बता दूं, अभी तो जब तक शॉर्ट फंड मिल रहा था तब तक तो थोड़ा चीजें डामाडोल थी। डामाडोल का मतलब है कि कुछ कह नहीं सकते थे आप, क्योंकि भैया शॉर्ट फंड बहुत ज्यादा व्यूज चाहिए होता था कि भैया 20 मिलियन व्यूज हो, 15 मिलियन व्यूज हो, तो इस हिसाब से आपको 10 मिलियन व्यूज हो तो $100 केवल मिलता था बस, और उतने ज्यादा व्यूज हमेशा आए ये कोई जरूरी भी नहीं होता था। लेकिन जब से ये मोनेटाइजेशन का सिस्टम आया है, जनवरी से जैसे आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो आपके कम व्यूज पर भी अच्छे खासे आपको पैसे देखने को मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं 3-4 मिलियन व्यूज पर आप देखेंगे कि आपके $100 बन चुके हैं, 2 मिलियन पर आपके $100 बन चुके हैं, इस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। यानी कि जितना पहले चाहिए होता था कि भैया आपको $100 के लिए 10-15 मिलियन व्यूज चाहिए होते थे, वो आपको 2-3 मिलियन व्यूज पर भी मिल जाएंगे। तो यानी कम व्यूज पर भी आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा यहां पर। और साथ ही साथ जो एक ब्रांड कनेक्ट नाम से YouTube ने लॉन्च किया है शॉर्ट्स वालों के लिए, अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, अभी यूएस वगैरह में चल रहा है, बहुत जल्द इंडिया में 2023 में उन्होंने बोला है अगर वो आ जाता है तो आपको अच्छी खासी स्पॉन्सरशिप डायरेक्ट यूट्यूब के थ्रू मिलेगी। तो इससे आपको स्पॉन्सरशिप का पैसा प्लस गूगल एडसेंस से जो आपका शॉर्ट फीड से व्यूज आएगा मोनेटाइज होने के बाद, उसका जो डॉलर बनेगा उस हिसाब से आपका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है शॉर्ट्स में। और मैं गारंटी देता हूं कि लॉन्ग से भी ब्राइट फ्यूचर शॉर्ट्स में होने वाला है, आप खुद आगे चलकर देखिएगा। अभी आप सिर्फ काम पर फोकस करिए, फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि शॉर्ट्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और उसमें सबसे नंबर वन इस समय जो है वो है यूट्यूब शॉर्ट्स, और उसको कॉम्पिटिशन देने के लिए इंस्टाग्राम रील्स भी बोनस ये सब बहुत चीजें ला रहा है। तो आपको बस काम करना है, कोई भी जहां पर ऑडियंस है इस समय कोई भी कंपनी उनको जाने नहीं देगी, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा पैसा ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स उनको देगी। तो इसलिए शॉर्ट्स में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, इसलिए बस दबाकर काम करिए और बहुत अच्छा फ्यूचर है शॉर्ट्स का। तो आई होप आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है साकिब फैक्ट ने, इन्होंने पूछा है सर क्या कॉपीराइट क्लेम जिस वीडियो पर आता है उसके व्यूज काउंट होते हैं शॉर्ट फंड के लिए। तो भाई कॉपीराइट क्लेम से कोई दिक्कत नहीं होती है, ना मोनेटाइजेशन में दिक्कत होती है, ना आपको शॉर्ट फंड में दिक्कत होती है। कॉपीराइट क्लेम कितना भी आ जाए आपके जो व्यूज आते हैं उसको आपको शॉर्ट फंड मिलता है, सिर्फ दिक्कत कॉपीराइट स्ट्राइक से होती है। तो आई होप आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जी फॉर यू का, इन्होंने पूछा है सर जी नमस्ते कैसे हैं।
तो नमस्ते, आपको भी बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं आप लोग भी बताइएगा। तो इनका क्वेश्चन है, सर मेरा सवाल है कि टेक्स्ट टू स्पीच वाला चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं, प्लीज जरूर बताइएगा। तो भाई मैं आपको बता दूं, अभी तो मोनेटाइज हो रहा है, लेकिन टेक्स्ट टू स्पीच की आपको क्या जरूरत है, आप अपनी वॉइस यूज करिए। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन जब कंटिन्यू आप बोलेंगे तो आपको खुद कुछ टाइम बाद रियलाइज होगा कि मेरी जो वॉइस है वो सबसे बेस्ट है। तो आप अपना जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन हो सकता है अपने वीडियो कॉन्टेंट में दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपको यूट्यूब पर लॉन्ग टाइम तक टिके रहना है और अच्छा खासा पैसा कमाना है तो आपको खुद की वॉइस सारा कुछ आपको खुद को देना पड़ेगा। तो इसलिए टेक्स्ट टू स्पीच वाला सिस्टम छोड़ दीजिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। लेकिन अभी मोनेटाइज हो रहा है, आगे का भाई क्या करेगा यूट्यूब कोई पता नहीं है। तो जो आपका क्वेश्चन था उसका मैंने जवाब दे दिया है, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कातिया गेमर ने, इन्होंने पूछा है सर रिएक्शन वीडियो कौन सी कैटेगरी में रखे, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। तो ये बहुत सारे लोग बार बार पूछ रहे हैं रिएक्शन वीडियो। तो भाई रिएक्शन वीडियो के लिए सबसे बेस्ट कैटेगरी है एंटरटेनमेंट, आप रख सकते हैं। और मैं आपको एक चीज और साथ में बता दूं कि रिएक्शन वीडियो अगर आप नहीं बना रहे हैं तो बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये 5 मिनट के अंदर आपका एक वीडियो तैयार हो जाता है और काफी अच्छे व्यूज भी आ रहे हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी में काम नहीं कर रहे हैं तो कम से कम रिएक्शन वीडियो तो बना ही लीजिए, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल है बनाना। तो अगर आपको नहीं पता कैसे बनाने हैं तो इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप जाकर वो वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको अपना जवाब भी मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गेमिंग विथ एच ने, इन्होंने पूछा है सर आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है या सिंगल हो आप? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नॉलेज A50 ने, इन्होंने पूछा है सर आपका फर्स्ट ब्रेकअप कितनी एज में हुआ था? तो ये सारे थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे जो मैंने पिक किए हैं, क्योंकि संडे क्यों नहीं, इसलिए मैं करता हूं कि कुछ टॉपिक से हटकर भी बात हो सके, आप लोग कुछ पूछ सके और मैं आपको बता सकूं। तो भाई मैं आपको बता दूं कि मैं वो इंसान हूं जो एक ही वाला हूं, अगर एक के साथ होगा तो सारा एक के साथ, अगर नहीं होगा तो फिर दूसरा कोई भी नहीं आएगा। मतलब जो सिस्टम है एक के साथ, जिसके साथ पैचअप तो भैया एक के साथ, अगर ब्रेकअप तो फिर उसके बाद कोई भी नहीं आने वाला है। तो फर्स्ट एंड लास्ट वाला मैं इंसान हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि एक रजत सूद हैं, उनका एक शायरी है जो कि वो बोलते हैं, काफी मुझे अच्छा लगता है, तो मैं आपको वो सुनाना चाहता हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी क्या फीलिंग्स हैं। तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग, थोड़ा आपको मेरी फीलिंग के बारे में पता चलेगा। कि कभी दिल ही नहीं करता जरा सा भी नहीं करता, कभी दिल ही नहीं करता जरा सा भी नहीं करता, गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता। तो उसके आगे का लाइन आप सुनिएगा कि कभी दिल ही नहीं करता जरा सा भी नहीं करता, गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता। मेरे दिल के मका पर इस कदर कब्जा किया उसने, मेरे दिल के मका पर इस कदर कब्जा किया उसने, किराया भी नहीं देता वो खाली भी नहीं करता। तो तालियां हो जानी चाहिए कमेंट बॉक्स में अगर आपको अच्छा लगा है। तो बस थोड़ा इंटरेस्टिंग था, आपको कैसा लगा है बताइएगा आप लोग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फैक्ट्स विजन ब्रांड ने, इन्होंने बोला है कि भाई आप बहुत अच्छी जानकारी देते हो, आपकी वजह से मेरे चैनल पर 6 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और 1 मिलियन भी पूरा हो जाएगा। तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन और थैंक यू सो मच आपके अप्रिसिएशन के लिए। आपकी मेहनत है, मेरे आप तरीके से काम कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अरविंद अरोड़ा न्यू ने, इन्होंने बोला है कि भाई मैं 18 साल से कम हूं, एडसेंस अकाउंट में पापा का सभी डिटेल डालें या कुछ अपना भी डिटेल डालें, प्लीज रिप्लाई मी। तो भाई मैं आपको बता दूं, जिसके नाम से आप एडसेंस बना रहे हैं, अगर आप 18 साल से कम है तो दूसरे के अकाउंट बनाएंगे, दूसरे के नाम से, जैसे आप अपने पापा के नाम से बना रहे हैं तो सारा डिटेल उनका ही रहेगा, आपको उसमें कोई भी डिटेल नहीं फिल किया जाएगा, क्योंकि गूगल एडसेंस में उनका उनके नाम से बन रहा है तो सारा डिटेल सेफ उन्हीं का रहेगा। तो आई होप आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है टोटल ट्यूब ने, इन्होंने पूछा है सर क्या चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आने के बाद चैनल डाउन या डेड हो जाता है, प्लीज रिप्लाई माय क्वेश्चन, लव यू सर, कीप ग्रोइंग। तो थैंक यू सो मच, लव यू टू ब्रदर। तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर एक बार स्ट्राइक आती है कॉपीराइट स्ट्राइक तो YouTube आपको पनिश करता है, और पनिश का क्या मतलब होता है, आपके चैनल की रीच को वो डाउन कर देता है, आपको लगता है चैनल डेड हो गया लेकिन वो चैनल की रीच डाउन हो जाती है। तो उसके लिए सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि आप रेगुलर अच्छे अच्छे कंटेंट्स बनाते चलिए, आपके जो व्यूज आते थे 2 लाख 4 लाख 6 लाख 1 मिलियन, वो आपके 5, 10, 15 हज़ार आ रहे होंगे, मुझे पता है पर्सनली क्योंकि मैंने ये चीज़ें की है। तो आपको कंटिन्यू ये काम करते रहना है, इसके बाद 1 महीने 1.5 महीने या फिर 15-20 दिन भी लग सकते हैं, इतने में आपका चैनल फिर से ग्रो अप हो जाएगा और इसके बाद आपके व्यूज सुधर जाएंगे। तो वो लगभग 1 महीने का प्रोसेस होता है,
तो उसके लिए अगर आपके बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, आप दूसरा चैनल बनाना चाहते हो बना सकते हैं। अगर आपके ज्यादा सब्सक्राइबर हैं तो कंटिन्यू एक महीने मेहनत करिए, फिर से आपका चैनल ट्रैक पर आ जाएगा और काम अच्छे से व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सुपर 90 फैक्ट्स ने, इन्होंने पूछा है सर वीडियो को एवरीडे एक ही टाइम अपलोड करें तो क्या सही है, क्या उस वीडियो का सीआरटी कम होगा, प्लीज पिकाए क्वेश्चन। तो भाई सीआरटी नहीं होता, सीटीआर होता है। और मैं आपको बता दूं कि सीटीआर मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। और जो आपने क्वेश्चन पूछा है क्या एवरी टाइम अपलोड करें तो क्या सही है, तो भाई एक ही टाइम अगर आप अपलोड करेंगे प्रत्येक दिन यानी एवरी डे तो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि एक दिन अगर आप अपलोड करते हैं तो आपके जो भी व्यूवर्स हैं चाहे कम है ज्यादा है, चाहे 100 सब्सक्राइबर है चाहे 1,00,001,000,000 है, उनको पता रहता है कि भाई वीडियो इस टाइम आ जाएगी, तो वो थोड़ा एक्टिव रहते हैं। और स्टार्ट में जब आपका वीडियो डाला जाता है उस टाइम जितने लोग तुरंत देख लेते हैं इससे ही आपका वीडियो पुश होकर और ज्यादा आगे जाता है। तो एक टाइम फिक्स करिए, वही सबसे बेस्ट होता है, इससे आपके चैनल की ग्रोथ और फास्ट होती है। तो हर डे आप एक दिन सेलेक्ट करिए, उसी दिन डालिए, सबसे बेस्ट रहता है। और सीटीआर की बात जो कर रहे हैं, सीटीआर होता है कि आपका वीडियो जिनके सामने गया उन्होंने कितने लोगों ने क्लिक किया, वो होता है सीटीआर। तो उससे आपके क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है जो आपने इसको घुसा दिया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एसएस क्विजलेट फैक्ट ने, इन्होंने पूछा है सर नवंबर मंथ में शॉर्ट फंड पाने वाला चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं। तो जी हां, जो नवंबर में जिनको शॉर्ट फंड मिल रहा है उनका चैनल जैसे जनवरी से मोनेटाइजेशन ऑन होगा तो भैया 90 डेज का व्यूज काउंट किया जाएगा। आपके 10 मिलियन व्यूज पर शॉर्ट फंड मिला है तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा जनवरी से, अगर जिनको नवंबर में शॉर्ट फंड मिला है। और उससे भी बड़ी बात कि यूट्यूब ने यह भी अनाउंस किया है, अभी ऑफिशियली नहीं आया है लेकिन उनके जो जहां पर मीटिंग हो रही थी मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिया भी था पूरा प्रूफ के साथ, जिसमें उन्होंने खुद बोला था कि हम मोनेटाइजेशन के लिए यह रेगुलेशन सोच रहे हैं कि जिनको एक भी बार शॉर्ट फंड मिला है यानी $100 से ज्यादा, क्योंकि $100 से ज्यादा मिलेगा, $100 मिनिमम मिला होना चाहिए, क्योंकि $100 तभी मिलेगा जब 10 मिलियन व्यूज मिनिमम हो जाते हैं। तो अगर आपके 10 मिलियन व्यूज पर $100 शॉर्ट फंड कम से कम मिला है या फिर उससे ज्यादा मिला है तो उनके भी चैनल को मोनेटाइज करने की बात चल रही है। अगर ये जैसे ही फाइनल अपडेट आता है मैं आपको दे दूंगा। तो आई होप आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है केसी जीके स्टडी ने, इन्होंने बोला है सर ब्लॉगिंग चैनल को बूस्ट करने के लिए कोई एडवाइस दो, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो भाई मैं आपको बता दूं ब्लॉगिंग चैनल के लिए सबसे बेस्ट यही समय चल रहा है, चाहे आप शॉर्ट्स में बना रहे हैं चाहे लॉन्ग में, हर एक ब्लॉगिंग चैनल सबसे ज्यादा तभी चलता है जहां उसमें खाना इन्वॉल्व कर दिया जाता है, यानी कोई नई डिश बनाना हो ये बनाना हो ये सब चीजें जो इन्वॉल्व करता है उनका ज्यादा चलता है। जैसे आप विजय रिया ब्लॉग्स में देख लीजिए जो खाने वाला वो वीडियो बनाते हैं ज्यादा व्यूज आता है, आर राजेश ब्लॉग है जो ट्रक ड्राइवर वाला उनका भी जो खाने वाला चिकन वगैरह बनाते हैं उसमें ज्यादा व्यूज आता है। तो आप जो खाने जैसे आपका ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो उसमें आप अपने घर से खाने से रिलेटेड कुछ चीजें इन्वॉल्व कर दीजिए तो आपके व्यूज ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे और आपका ब्लॉगिंग चैनल अच्छे से चल जाएगा, जो कि एक ट्रिक है। आप खाने से रिलेटेड चीजें बनाइए ज्यादा तो वो ज्यादा तेज चलता है। तो आई होप आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। यही सारे क्वेश्चन थे जो सारे इंटरेस्टिंग थे, कुछ आपको सीखने को मिला होगा, कुछ आपको अच्छा भी लगा होगा, इंटरेस्टिंग थोड़ा फनी भी टाइप का अच्छा भी लगा होगा, इंजॉय भी किए होंगे। और भी सारे बहुत सारे क्वेश्चन थे लेकिन सभी को पिक करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी लंबी भी हो चुकी है। तो आपको कैसा लगा है संडे क्यू ने कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बिना बोले लाइक कर दीजिए क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन होता है। साथ ही अभी तक इस चैनल पर आप लोग नए हैं और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो देर मत करिए, नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब वाला दिख रहा है उसको दबाकर, बगल में जो घंटी दिख रहा है उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए हमेशा सबसे यूनिक और ढांसू कॉन्टेंट लेकर आता ही रहता हूं। साथ ही अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।